हरियाणा की राजनीति में महिला पहलवान विनेश फोगाट की एंट्री होने वाली है। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। विनेश आज दिल्ली कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं। वहीं कांग्रेस बजरंग पुनिया को स्टार प्रचारक बनाने की तैयारी कर सकता है। विनेश फोगाट चरखी दादरी, बाड़ला या जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़नता का आरोप लगाया था। कांग्रेस मुद्दे का इस्तेमाल करके विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ काम करेगी। पिछले साल पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सार्वजनिक रूप से साथ खड़े दिखे थे। विनेश फोगाट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके साथ बजरंग पुनिया भी दिखे। राहुल गांधी ने विनेश फोगाट और पुनिया के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। इससे पहलवानों के राजनीति में प्रवेश करने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली विनेश फोगाट अपने गृह नगर से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती हैं। हालांकि उनके पारिवारिक संबंधों और प्रभाव को देखते हुए जींद जिले का जुलाना निर्वाचन क्षेत्र भी अधिक संभावित विकल्प हो सकता है। पिछले दिनों विनेश फोगाट काफी एक्टिव दिखी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और उनके मुद्दों का समाधान करना प्राथमिकता बनानी चाहिए। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपके साथ है। किसानों की मांगे नाजायज हैं। फोगाट ने कहा कि किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे अभी भी स्वीकार नहीं की गई। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।